दोस्तों, अगर आपसे किसी क्रिएचर के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे कई एनिमल्स के नाम और उनके पिक्चर्स याद आ जाएंगे जिसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स को देखा है जो इनविजिबल होते हैं, तो ये सुनकर आपको जोर का झटका जरूर लगेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई एनिमल्स इनविजिबल कैसे हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 7 एनिमल्स के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाएंगे जिसमें एनिमल्स होते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। नंबर 7, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, जरा गौर से देखिए इस क्लिप को। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, भला कोई पत्ता भी कभी डांस कर सकता है क्या? तो हम आपको बता दे कि ना तो ये कोई पत्ता है और ना ही ये कोई डांस कर रहा है, बल्कि ये पत्ते जैसा दिखने वाला एक छोटा सा क्रिएचर है जिसको लीफ इंसेक्ट कहा जाता है। असल में ये क्रिएचर जंगल में रहने वाले कई एनिमल्स और बर्ड्स का पसंदीदा भोजन होता है, इसलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का पैंतरा आजमाना पड़ता है। अपनी जान पर जरा भी खतरा भांपते ही ये क्रिएचर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जिससे कि कोई इन्हें देख ना सके। अब बात करें इनके खाने पीने की, तो ये पेड़ों पर आने वाले फलों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। और बात करें इनके बसेरे की, तो ये अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही बिताते हैं। नंबर 6, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। अब जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए। इसे देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि भला ऐसा आंखों वाला भी कोई पेड़ होता है क्या? तो जरा एक मिनट ठहरिए, ये कोई आंखों वाला पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ पर बैठा एक आउल है जिसका नाम ईस्टर्न क्रीच आउल है। और इसकी खासियत ये है कि जब ये किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो खुद को पेड़ में इस कदर छुपा लेता है कि दूर से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं, और अगर कहीं इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो ये पूरी तरह से पेड़ में ही मिक्स हो जाता है। इस हालत में किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ पेड़ है या पेड़ पर कोई आउल भी बैठा है। अब बात करें इसके रहने की, तो सूखा हुआ पेड़ इसका पसंदीदा बसेरा होता है, क्योंकि सूखे हुए पेड़ में यह खुद को आसानी से छुपा सकता है। नंबर 5, द बफ टिप मोथ। अब इस क्लिप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो ऐसा सोचकर आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये द बफ टिप मोथ नाम का एक क्रिएचर है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इनविजिबल क्रिएचर्स में से एक हैं। यही कारण है इस पर जल्दी किसी इंसान की नज़र ही नहीं पड़ती। द बफ टिप मोथ ज़्यादातर जंगलों और गार्डन में ही पाए जाते हैं और ये जून जुलाई के महीनों में सबसे अधिक दिखाई देते हैं। अब बात करें इनके रहने की, तो द बफ टिप मोथ ज़्यादातर पेड़ों के अंदर ही छुप कर रहते हैं। नंबर 4, लेप्टोसेफलस। शिष्य की तरह दिखने वाला ये क्रिएचर लेप्टोसेफलस नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा समुद्री जीव है जो खुद को छुपाने में सबसे अधिक माहिर होता है। जब ये अंडों से बाहर निकलता है तो इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री जीव इन्हें आसानी से देख नहीं पाते, और ऐसी हालत में ये दूसरे समुद्री जीवों के जानलेवा हमलों से खुद को आसानी से बचा लेते हैं। लेप्टोसेफलस अंडों से निकलने के बाद 3 महीने तक ऐसे ही इनविजिबल रूप में रहते हैं, और जब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि अब अपनी हिफाजत ये खुद कर सकते हैं, तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने बॉडी को अपने हिसाब से बदलने का ये हुनर इन्हें नेचुरल रूप से मिलता है, जिसका ये बखूबी इस्तेमाल कर काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नंबर 3, ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, जब आप किसी बाग में घूमने जाते हैं तो अपने आसपास कई तरह की कलरफुल बटरफ्लाइज को उड़ते हुए देखते होंगे, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये क्या है,
तो आपका एक ही जवाब होगा कि ये एक पत्ता है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है, जिसको ओक लीफ बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है, जो आमतौर पर देखने में तो एक सूखा हुआ पत्ता ही लगता है। लेकिन ये बटरफ्लाई अंदर से बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती हैं। जंगलों में इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। ओक लीफ बटरफ्लाई आमतौर पर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती हैं। नंबर 2, ग्रेट री फ्रॉग। यह फ्रॉग की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर पेड़ों पर रहना पसंद करती है। ग्रेट री फ्रॉग अपनी बॉडी के कलर को बदलने में काफी एक्सपर्ट होता है। अपनी जान पर खतरा भांपते ही यह अपने रंग को बदलकर ट्री के कलर जैसा बना लेता है, जिसे कोई इसे देख नहीं पाता। यह आमतौर पर अमेरिका और साउथ ईस्टर्न कैनेडा में पाए जाते हैं। इनका कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन भी होता है और इसका साइज करीब 2 इंच तक होता है। नंबर 1, मौसी फ्रॉग। अब हम बात करते हैं मौसी फ्रॉग की, लेकिन इससे पहले जरा इन प्लांट्स को भी देख लीजिए। इसे मौसी प्लांट के नाम से जाना जाता है और ये प्लांट पानी वाली जगहों पर देखने को मिलता है। मौसी फ्रॉग का नाम इसी प्लांट के नाम की वजह से मिला है, क्योंकि ये क्रिएचर इस तरह के प्लांट्स में खुद को आसानी से छुपा लेते हैं। अगर आपका सामना कभी मौसी फ्रॉग से हो जाए तो यकीन मानिए आपके लिए भी इसे पहचानना काफी मुश्किल हो जाए कि ये कोई फ्रॉग है या किसी प्लांट का हिस्सा। हम आपको बता दें कि ये मौसी फ्रॉग नामक क्रिएचर, जो खुद को मौसी प्लांट और बाकी कई तरह के जंगली प्लांट्स के बीच खुद को इस कदर छुपा लेता है कि इंसान के लिए फ्रॉग और प्लांट में अंतर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मौसी फ्रॉग का आकार करीब 5 से 6 सेंटीमीटर तक होता है और ये ज़्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा इनविजिबल क्रिएचर कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना। और ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना।